दोस्तों, मेरा नाम सार्थक सिंह है। मैं शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, फार्म द जर्नलिस्ट। आज हम बताएंगे करेला की खेती कैसे की जाती है। तो दोस्तों, मेरा नाम सार्थक है। आज हम करेले के इस फार्म में हैं। देखिए, इस फार्म में आपको हर प्रकार का करेला नजर आ रहा होगा। आज करेले की ऐसी किस्म मौजूद है जिन्हें कहीं भी और किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। करेले की ऐसी फसल होती है कि किसी भी मौसम में हम इसे उगा सकते हैं और भारी मात्रा में इसका भाव भी हमें मिल जाता है। करेले की खेती में लागत के मुकाबले बढ़िया भाव भी मिलता है। जो इसकी लागत जो हम लगाते हैं उसमें बहुत ही बढ़िया भाव मिलता है। करेले में अनेक खनिज, करेले में बहुत से खनिज मिलते हैं। प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन मिलती है, वो हमारे शरीर एवं सेहत को बहुत ही लाभदायक बनाती है। और सी भी खूब पाया जाता है। विटामिन सी होती है, विटामिन ए होती है, वो करेले में खूब पाई जाती है। और यहाँ पर जो हम टेबल क्रॉप कराते हैं हमारे किसान भाई, वो भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में करा दिया। और जो जिस पर इसके जो नार पौंड़ते हैं वो हमने बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पर नार पौंड़ा दिए हैं। इसलिए करेले के बीजों से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। जो करेले के बीज होते हैं उनसे हम दवाई भी बना सकते हैं। करेले से सब्जी के अलावा अचार और जूस भी बनता है। करेले से सब्जी तो बनती है लेकिन अचार और जूस भी हम बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भारी मात्रा में करेला आपको नज़र आ रहा होगा लगा हुआ। यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर नीचे भी देखिए, जो मैं यहाँ पर करेला आपको दिखा रहे हैं लगा हुआ। करेले की खेती साल में 2 बार की जा सकती है। करेले की जो खेती होती है वो साल में हम 2 बार भी कर सकते हैं। जो हम सर्दियों में करते हैं करेले की खेती, वो जनवरी फरवरी और मई और जून में उसकी हम उपज प्राप्त कर लेते हैं। और जो हम गर्मियों में करते हैं उसकी मई या जून में हम उपज प्राप्त कर लेते हैं। बरसात के दौरान जून जुलाई में करते हैं। जो दूसरी तीसरी उपज होती है वो हम बरसात के समय जून और जुलाई में करते हैं। इसका बाजार में करीब 2 लाख रुपए का भाव मिल जाता है। अगर बढ़िया करेला हो जाए तो बाजार में हमें 2 लाख रुपए तक का भाव मिल जाता है। इस तरह करेले की खेती से किसानों को अच्छा फायदा मिल जाता है। इस तरह किसानों को करेले की खेती से अच्छा फायदा मिल जाता है। और कुछ नॉन पीपर्स और कुछ यानी कि हमारे यहाँ पर कीटनाशक दवाई और फर्टिलाइजर्स उर्वरक और जो उसकी मिट्टी होती है वो तो मटियार एवं जो बुलई मिट्टी और दोमट मिट्टी जो होती है वो हम यहाँ पर उसी में करेले की खेती होती है। प्रचलित मात्रा में यहाँ पर तो करेला हमारे कम से कम 1 एकड़ में लगा हुआ है। बहुत ही भारी मात्रा में भी आ चुका है और आपको फूल भी नज़र आ रहे होंगे, फूल भी आ चुका है भारी मात्रा में। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।